हमें जाना था 4 बजे की ट्रेन से भोपाल, अब बज रहे थे रात के 2 और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। 1 बजे तक मैंने एडिटिंग करी, उसके बाद मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपना टाइम पास में लगी हुई थी। और यहाँ पर अब थोड़ी देर में मैं उठकर चाय वाय पीने वाली हूँ, क्योंकि मैं बिना चाय खाए निकलती हूँ तो मुझे चक्कर भी आने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर चाय बिस्किट। और ये देखिए शेरू रात के 3 बजे भी आके यहाँ पर खड़ा हो गया है। अब किसी तरह से 1-2 बिस्किट बड़ी मुश्किल से मैं खा पाई हूँ, क्योंकि रात भर नींद नहीं हुई थी और इतने सुबह सुबह खाने का मन भी नहीं कर रहा था। अब हो गया था जाने का टाइम, तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सारी बैग्स बाहर लेने लगे थे। और सिम्बा और शेरू बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे कि हम जाने वाले हैं, बिकॉज हम 2 मिनट में निकलने वाले हैं। इतनी नींद नहीं हुई रात भर। हम लोग निकल चुके हैं, हमारा सामान ये टको। क्या हो गया? मुँह मेरा इतने गड़बड़ में उड़ गया। जो के साथ में ट्रैवल बहुत ठीक है, उसके टाइम सब हो गया। जिम्मू बाय बाय कर, बाय बाय जिम्मू। जिम्मू को ट्रेन देख के मजा आ रही क्या? जिम्मू चलेंगे ना, अभी चलेंगे, अपनी भी ट्रेन आएगी, अभी आएगी ना ट्रेन, अभी आएगी तब चलेंगे। पहुंच गए हैं हम लोग और ये स्टेशन बना हुआ है। पहुंच गया है होटल। है जिम्मू, जिम्मू वेयर इज टाइगर? जिम्मू वेयर इज टाइगर? हियर नन दैट सिंबू दादा, सी टाइगर। आहा सिंबू दादा, सिंबू दादा हेलो हेलो कर, जा जवळ जा, गो गो क्लोज टू हिम। हेलो टाइगर, टाइगर कैसे करते बाबू? जिम्मू को सबसे पहले उसके फेवरेट फ्रेंच फ्राइज मिल गए हैं, और वो भी कितने फैंसी से गाड़ी में आए हैं। देखिए ऐसा कुछ ठेला वेला बना है, है ना जिम्मू? लोग अपना होटल का रूम टूर कराते हैं, तो हम भी करा देंगे आज। तो यहाँ से हम आए हैं, ये हमारी टीवी, यहाँ पर वॉशरूम है, ये एसी लगी है, ये पेड़ है, और ये सबसे मेरा प्यारा बच्चा जिम्मू है।
और एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है कि एसी का पानी लीक हो रहा है, इसलिए हमको रूम चेंज करना है। तो अभी बस टको आ रहा है 5 मिनट में, फिर हम रूम चेंज करेंगे, आपको दूसरा जो एक्चुअल रूम होगा उसको दिखाएंगे। यहाँ हम 2 या 3 दिन के लिए रुकेंगे और उसके बाद हम घर तो देख रहे हैं, उसके साथ साथ जैसे ही मिल जाएगा 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। जम्मू मेरा इतना कोऑपरेटिव बच्चा है, मतलब सुबह में जाना था तो 3 बजे उठ गया, फिर ट्रेन के हिसाब से टाइम के हिसाब से सो भी लिया, सब कुछ, ना कोई रोना गाना कुछ नहीं। मतलब बच्चे कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका टाइमिंग चेंज हो जाता है, तो जियो इतना कोऑपरेट किया, मतलब लग ही नहीं रहा था कि इतना छोटा सा बच्चा हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है। ट्रेन में भी कोई परेशानी, कोई भागम दौड़ी नहीं, कुछ नहीं, आराम से थोड़ी देर खेली, थक गई, सो गई, अभी भूख लगी थी तो अपना खाना खा रही है। मतलब शी इज सो अंडरस्टैंडिंग, है ना जिम्मू, ये प्याला सा बाबू। चलो 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 चलो, सुबह हो गई। भाई हम अभी निकले हैं एक्सप्लोर करने के लिए, पहले तो कहीं चल के खाना खाएंगे और अगर हिम्मत बची तो थोड़ा बहुत घूम लेंगे, नहीं तो थकान तो मुझे लग ही रही है, तो आके सो जाएंगे, फिर कल हम लोग निकल के सारी चीज़ें देखेंगे। अभी जिस एरिया में रुके हैं वहाँ पे पूरा मार्केट जैसा एरिया है, तो आते जाते अगर कुछ दिख गया अलग तो घुस के देखने की आदत तो हमारी जाएगी नहीं, तो चले जाएंगे। वह काम चालू हो गया है यहाँ पे, है जिमो तो खाना पीना खाकर हम आ गए थे और जिम्मू अभी भी बहुत फ्रेश है और मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। पापा और जिम्मू अभी यहाँ पर खिली खिली करेंगे और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।